तो गाइस इस ट्रैक को बनाने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ट्रैक। तो सबसे पहले हमें क्या रेल का डायग्राम बनाना है, तो एक स्ट्रेट लाइन खींच लेता हूँ मैं, देन उसके साइड बाई साइड 0.2 mm का गैप देके और एक स्ट्रेट लाइन खींच लेना है हमें। उसके बाद गाइस इन स्टिकों को लगा देना है जो लाइन खींचा था हमने साइड बाय साइड। लेकिन हाँ गाइस एक चीज़ का ध्यान रखना है हमें, जो सेकंड लाइन में हम स्टिक लगाएंगे उसका मतलब फर्स्ट और लास्ट वाला स्टिक छोड़ के पूरा कवर कर देना है, बाकी आपको पता ही चल जाएगा कैसे बनाऊंगा मैं। तो गाइस जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो यही एज इट इज़ बनाना है आप सभी को, ऐसे दो बना लेना है। तो एक बना के मैंने आप सभी को दिखा दिया, ऐसे ही आपको दो बनाना है, एक लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए। और सेकंड वाला जो रो है फर्स्ट और लास्ट में देख सकते हैं एक स्टिक का गैप रखा है, बाकी ये वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा ये गैप किस काम आएगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं एज इट इज़ सेम ट्रैक बना के रखा है मैंने, अब क्या करेंगे इसे काट लेंगे। तो गाइस फटाफट से इसे काट लेते हैं हम, ध्यान रखना मतलब एकदम बारीकी से काटना है आपको। और देख सकते हैं साइड में एकदम हल्का सा गैप रखा है वाइट ताकि स्टिक निकल ना जाए। फटाफट से मैं दोनों काट लेता हूँ। तो गाइस दोनों ट्रैक काटने के बाद, सॉरी दोनों रेल काटने के बाद कुछ दिखने में ऐसा लगेगा आप सभी को। और उसके बाद क्या करना है आपको फेविक्विक का कोटिंग दे देना है ताकि मजबूती एकदम परफेक्ट हो और इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आए ट्रैक को। तो फटाफट से एक फेविक्विक का,
वैसे ही लगेगा, वैसे ही बनाने के लिए यहाँ पे मैंने गैप छोड़ के रखा था पहले। तो गाइज यहाँ पे आप एंड में देख सकते हो हल्का सा स्टिक का बाहर आ रहा था, तो इस वजह से मैंने जितने भी बाहर वाला पोर्शन है उसे प्लेट की मदद से काट दिया। एक साइड का काट के अब दूसरे साइड का बॉडी, अब इसे भी काट लेता हूँ मैं फटाफट से। तो गाइज काटने के बाद मैं ट्रैक को स्मूथ बना लूँगा ब्लेड की मदद से, एज इट इज़ जैसे हमने हर वीडियो में स्मूथ बनाने के लिए करा है तो वैसा ही करना है आपको। तो स्मूथ तो हो गया ट्रैक, अब एक बार चला के देखूँगा चल रहा है या नहीं चल रहा सही से। एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है ये ट्रैक। अब क्या करना है हमें, मास्किंग टेप को हटा लेना है। तो फटाफट से मैं मास्किंग टेप को निकाल लेता हूँ। तो निकाल लिया मैंने मास्किंग टेप, अब पीछे वाला जो टेप है आराम से निकल जाएगा, ये हमारा जो ट्रैक है अब होता है कंप्लीट। तो गाइज़ आई होप ये वाला ब्रिज ट्रैक आप सभी को पसंद आया होगा, और कमेंट करके बताना कैसा लगा।